أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Welcome to my channel Storyland and very warm welcome to all of my new subscribers who have recently subscribed my channel Thank you very much for your support I'm your teacher Umi Muhammad and today we are going to read the poem Limericks from New Oxford Modern English Book 1 and it is the third edition of this book और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर कर लें कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया और वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कर दें इस वीडियो से और इस बुक से रिलेटेड जितने भी नेसेसरी और इम्पॉर्टेंट लिंक्स हैं सभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिए गए हैं आप विजिट कर सकते हैं लेट्स स्टार्ट टुडेज़ वीडियो اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما والحمد لله على كل حال The name of this poem is Limericks. Limericks बोलते हैं ऐसी poem को क्योंकि mostly जो हम poems पढ़ते हैं वो two lines या four lines की होती हैं तो Limericks एक ऐसी poem है जिसमें five lines होती हैं एक stanza के अंदर और ये एक funny poem होती है सबसे पहले हमारे पास वर्ड्स टू नो ऐसे अल्फाज जिनको जिनके मीनिंग जानना ज़रूरी है इस पोएम की रीडिंग से पहले ताकि हम इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें पहला वर्ड है हमारे पास कोस्ट द पार्ट ऑफ द लैंड दैट इज़ ज्वाइनिंग और नियर टू द सी समंदर के करीब या समंदर से जुड़ा हुआ जो इलाका होता है साहिली इलाका उसको हम कोस्ट बोलते हैं नेक्स्ट है पार्सल अ पैकेज कोई भी चीज़ किसी पैकेज के अंदर जब पैक हो तो उसको हम पैकेज बोलते हैं नेक्स्ट इज़ पोस्टमैन अ मैन हु डिलीवर लेटर्स एंड पार्सल एक ऐसा इंसान जो लेटर्स बोलते हैं ख़त को और पार्सल होते हैं पैकेजेस वगैरह जो उनको डिलीवर करता है यानी उनको पहुंचाता है जहां पर उनको पहुंचाना होता है तो उसको हम पोस्टमैन बोलते हैं उर्दू में इसको डाकिया बोला जाता है नेक्स्ट वर्ड इज़ स्वॉलो टेकन इनटू द माउथ कोई चीज़ मुँह में डालना एंड पास डाउन द थ्रॉट और उसको हलक से गुजारना यूजली फूड एंड ड्रिंक आमतौर पर हम खुराक या पानी के साथ ही ऐसा करते हैं तो किसी भी चीज़ को निगलना या हड़प कर जाना उसको हम स्वॉलो बोलते हैं एंड द लास्ट वर्ड इज़ वैक हिट मीन ज़ोर से मारना Listen to these limericks. ये जो आपको limericks दी गई हैं छोटी छोटी poems दी गई हैं इनको आप सुने read them aloud इनको ऊँची आवाज़ में पढ़े and enjoy them और इससे लुत्फानंदोज़ हों पहला हमारे पास है The Postman डाकिया There was a young postman. यहाँ एक नौजवान डाकिया था from Quetta जिसका ताल्लुक Quetta से था He swallowed a parcel and a letter. उसने एक parcel और एक ख़त को निगल लिया A hard whack on his back. अब जैसे कोई चीज़ गले में फंस जाती है तो पीछे से मारा जाता है बैक के ऊपर इस तरह से उसको हिट किया गया बैक पर पुट देम बैक इन हिज सैक और उसने उनको वापस अपने सैक में यानी उसका बैग जो उसने लगा रखा था लेटर्स जिसमें और पार्सल्स वगैरह पड़े थे उसने उनको वापस रख दिया वहाँ पर एंड नाउ ही इज़ फीलिंग मच बेटर और अब वो बहुत अच्छा महसूस कर रहा है द सेकेंड लिमरिक्स इज़ द यंग गर्ल फ्रॉम द कोस्ट साहिली इलाके से एक छोटी बच्ची There was a young girl from the coast साहिली इलाके पर एक छोटी बच्ची रहती थी या एक छोटी बच्ची थी जिसका ताल्लुक साहिली इलाके से था वो वेटेड जो इंतज़ार करती थी ऑल डे सारा दिन फॉर द पोस्ट डाक का When the mail van came by और जब डाक वाली गाड़ी आती या वहाँ से गुजरती शी वुड रन अप एंड क्राई वो वहाँ भागती और रोती A parcel is what I'd like most और पार्सल ही एक ऐसी चीज़ है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है This was the end of this lecture. Hope you enjoyed it. And if you want to learn more, please like my videos and subscribe my channel. Thank you for watching. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wassalamu alaikum.